नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ का एनसीईआरटी पैटर्न पर जो चल रहा था हमारा मैथ क्लास 10 का, उसमें हमारी प्रश्न वाली 5.2 और सवाल नंबर हमारा है आज का 13। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि दो समांतर सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप भी, कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं सवाल में दो समांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी मान लेते हैं। प्रथम AP जो हमारी है वो हम मान लेते हैं कि ये कौन सी हमारी मान लेते हैं कि एक A1 A2 ये A3 A4 A5 डाट गई है प्रथम AP है हमारी। और हम द्वितीय AP मान लेते हैं कि B1 B2 B3 B4 B5 ये है हमारी, ठीक है, हमने मान ली AP। अब सवाल में क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। और हम देखिए मान लेते हैं कि माना सार अंतर D है, मान लेते हैं कि दोनों AP का सार अंतर क्या है, D है। तो आप लोग बात समझिएगा, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो देखिएगा लिख लीजिएगा प्रथम AP का 100वां पद, मतलब लिख लीजिएगा प्रथम AP का 100वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा A100 हो जाएगा दोस्तों A+100-1 × D ही हो जाएगा, सूत्र होता है An=A+N-1 × D। तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, 100वां पद के लिए A100 हो जाएगा हमारा A+100-1 × D, समीकरण हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिखें कि दूसरी AP का 100वां पद कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा B100 हो जाएगा हमारा बी प्रथम पद भी है +100-1 × D हो जाएगा समीकरण। तो अब कह रहा है कि इनका अंतर 100 पदों का अंतर जो है 100 है, मतलब क्या अंतर क्या होता है डिफरेंस। अगर हम समीकरण एक से समीकरण दो घटा दें, समीकरण एक माइनस कर दें समीकरण दो को, तो अंतर आ जाएगा। तो हमारा अंतर दिया गया है कि A100-B100, 100 पदों का अंतर कितना दिया गया, ये दिया गया है 100 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आप सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 100 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, ए दिया गया है ए, ठीक, प्लस और ये दिया गया है 99 D, ये दिया गया है, और माइनस का कर लेते हैं तो ये दिया गया बी +99 D, ये दिया गया है, बराबर दिया गया है हमें 100। तो दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ए प्लस ये 99 D माइनस बी और माइनस का 99 D, बराबर हो जाएगा हमारा 100। यहाँ से देखिए 99 D से 99 D कैंसिल हो गया, समीकरण हमारा क्या आ जाएगा कि ए बचा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साइड में, यहाँ पर तो बचा है हमारा ए माइनस का बी बराबर आ गया है 100। तो दोस्तों इस समीकरण मिल गया हमें तीसरा, इस समीकरण क्या करेंगे तीसरा समीकरण हो गया है। अब देखिएगा सवाल को हम सॉल्व करते हैं आगे सवाल को सॉल्व कैसे करके देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा हमारा यहाँ पर आ गया है कि ए माइनस बी बराबर 100। अब सवाल में कहता है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं पहले कि प्रथम हम लिखेंगे, देखिए प्रथम AP का 1000वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ए 1000, ये तो हो जाएगा बराबर, देखिए ये था ए 100, सूत्र में रखेंगे A+N-2D में, तो क्या होगा ए 1000 बराबर हो जाएगा हमारा कि A+1000-1 × D, समीकरण को 4 मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। और द्वितीय AP जो हमारी है कि द्वितीय AP का 1000वां पद कितना हो जाएगा B100, द्वितीय AP तो B थी तो B100 हो जाएगा हमारा B+100-1000, मतलब क्या है 1000-1 × D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, समीकरण मान लेते हैं। अब देखिएगा इनका अंतर पूछा गया है, तो इनका अंतर श्रेणियों के पदों के अंतर क्या होगा। अब देखिए मैंने अंतर निकालना है, मतलब क्या है कि एक ए 1000 और माइनस का बी 1000, इनके पदों का अंतर क्या होगा, देखिएगा पदों का अंतर होगा हमारा बराबर, सॉल्व कर लीजिएगा, तो ए प्लस ये हो जाएगा 999 D, ठीक है, इतना इसका आ गया, और माइनस कीजिएगा ये आ जाएगा हमारा बी ये प्लस का 999 D, ये तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा ये पूछा था, तो देखिएगा हमारा अब यहाँ पर आ गया है कि ए प्लस 999 D माइनस बी और माइनस का 999 D, इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे देखिएगा माइनस से प्लस का कैंसिल हो गया, आ गया है हमारा बताओ ए माइनस बी। अब दोस्तों ए माइनस बी का वैल्यू हमें निकाला था समीकरण 3 से, तो समीकरण से 3 से कितना आया था 100 आया था, तो बराबर हो जाएगा 100, तो 100 आ जाएगा अंतर। तो दोस्तों क्या कह रहा था सवाल में, सवाल को फिर पढ़ लीजिएगा, तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा 100, ये भी 100 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है
कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य हैं। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो सात से विभाज्य हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीन अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है सौ से स्टार्ट होती है अंक, तो सौ में देखिए सौ से सात सौ विभाज सौ अगर सात से विभाजित करें तो सात से विभाजित होगी नहीं, तो देखिएगा सौ से अगर सात से भाग दें हम सौ में तो कितनी पहली संख्या क्या होगी हमारी, सात अगर सात कितना जगह तीन जीरो लगाया तो अगर यहाँ पर देखिए सात अगर यहाँ पर पाँच और होता मतलब पाँच होता तो सौ तो पैंतीस पूरी चली जाती पाँच से, तो यहाँ पर एक सौ पाँच अगर छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी हमारे छोटी संख्या होगी एक सौ पाँच, अगर सात जोड़ दें तो जाएगी एक सौ बारह, ए पी बना लेते हैं पहले हम ठीक है एक सौ पाँच फिर सात जोड़ेंगे एक सौ बारह ये भी चला जाएगा ठीक है, फिर सात के साथ चार बचा यहाँ पर सात चले गया चार सात छः बयालीस एक सौ बारह के बाद में होगी दोस्तों यहाँ पर एक सौ बारह और बारह और सात एक सौ उन्नीस, ये तो होगी दोस्तों इस प्रकार से, ये तो हमारी ए पी बन ए पी देखिए बन जाएगी इस प्रकार से ठीक है, ए पी जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग एक सौ पाँच से होगी डाट डाट, और ये देखिए अंतिम पद कहाँ जाएगा, अब बात करें लास्ट नंबर देखिए एक हज़ार जो होगा वो चार अंक हो जाएंगे लेकिन चाहिए अंक हमें कितने तीन अंक, तो उसमें सात से भाग कर लीजिएगा, देखिए सात से भाग करेंगे जब हम तो देखिए सात एकम सात कितना बचा यहाँ पर तीन, सात एकम सात तीन बचा यहाँ पर जीरो लगाया तो सात छः को अट्ठाईस दो बचा यहाँ पर ठीक है जीरो उतारे सात दूनी चौदह छः मतलब छः घटा लीजिएगा अगर इससे तो एक हज़ार से जब हम छः घटाएंगे तो हो जाएगा नौ सौ चौरानवे, तो इसका अंतिम पद जो होगा दोस्तों कितना होगा नौ सौ चौरानवे, उस प्रकार से देखिए हमारी एक एपी बन गई, इसको देखिए तो ये तो हमारा रफ्तार है आपके सामने करके दिखाया हमने, एपी निकालने के लिए हमने क्या किया भाग किया पहले और एपी निकाल दिया यहाँ तक, तो उसके तीन अंकों के देखिए प्रथम पहला पद गया दूसरा तीसरा डाट डाट इस प्रकार से अंतिम पद हमें मिल गया है, हमें एपी कितने पद मिल गए, अब पूछा गया है कि कितनी संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि देखिए माना माना एपी का एन वहाँ पर नौ सौ चौरानवे है, हमने मान लिया कि एन वहाँ पर कितना है नौ सौ चौरानवे है, अब हम एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, आप देखिए जानते हैं हमें एपी का प्रथम पद दिया गया है एक सौ पाँच, पहला पद एक सौ पाँच हो गया, सात अंतर निकाल लीजिएगा कितना जाएगा, दूसरे पद से जो हम पहला पद घटाएंगे तो कितना जाएगा ये आ जाएगा हमारा सात ठीक है, ए एन दिया गया है अंतिम पद हमें दिया गया है नौ सौ चौरानवे, तीन चीज़ें दी गई एन का वैल्यू हमसे पूछा गया कितना पद है ये पूछा गया बस, अब देखिए सभी चीज़ आपके सामने स्टैंड पर है यहाँ पर, अब सवाल को सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कि यनवे पद का सूत्र क्या होता है, अगर एपी का प्रथम पद अगर एपी का प्रथम पद जो हो प्रथम पद ए हो और तथा सार्व अंतर जो हो डी हो, अगर एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी हो तो देखिएगा एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको अप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ए एन, तो देखिएगा ए एन का वैल्यू दिया गया हमें नौ सौ चौरानवे बराबर ए का वैल्यू दिया गया एक सौ पाँच प्लस एन का वैल्यू पता किया गया पूछा गया इंटू डी का वैल्यू दिया गया सात, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों इसको, तो नौ सौ चौरानवे माइनस एक सौ पाँच बराबर एन माइनस का वन इंटू सात, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए चौदह से पाँच जाएंगे नौ बचेंगे आठ ये नौ नौ सौ देखिए यहाँ पर कितना चलेगा जब नौ से एक जाएगा आठ, तो दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगी आठ सौ नवासी बराबर आ जाएगा हमारा एन माइनस वन इंटू सेवन, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आठ सौ नवासी बटे सात बराबर एन माइनस का एक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा देखिएगा सात एक सात एक बचा तो सात में चौदह चार बजे सात सात उनचास, तो दोस्तों आ गया एक सौ सत्ताईस बराबर आ गया एन माइनस एक, जब हम एक इधर लेकर आएंगे हो जाएगा एक सौ अट्ठाईस बराबर एन, सवाल में आ गया एन का मान आ गया एक सौ अट्ठाईस, सवाल क्या कह रहा था हमारा कि सवाल पूछ रहा था कि ए पी का यनवा पद कितना था हमने मान लिया नौ चाहते तो यनवा पद यनवा का मान कितना आ गया एक सौ अट्ठाईस, तो पूछ रहा था कि ए पी में कुल कितने इसमें कितने पद होंगे मतलब कितनी संख्याएं होंगी तीनों का सात से विभाज्य होंगी, तो एन का मान आ गया है एक सौ अट्ठाईस, तो इस एपी में कितने पद होंगे एपी में एक सौ अट्ठाईस पद होंगे, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक सौ अट्ठाईस संख्याएं होंगी, कितनी संख्या पूछे तो एक सौ अट्ठाईस संख्याएं जो हैं वो सात से विभाज्य होंगी ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक सौ अट्ठाईस संख्या सात से विभाज्य होंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो लाइक कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौदह पर, तो दोस्तों देखिएगा सवाल नंबर चौदह हमसे कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में चार के कितने गुणज हैं, संख्याएं किसके किसके बीच में सवाल कह रहा है समझिएगा पहले थोड़ा सा फिर समझा देते हैं आपको, सवाल कह रहा है कि 10 और 250 के बीच इनके इनके बीच में ठीक है कितने चार के गुणज हैं, अब अगर स्टार्टिंग की जाए एपी की तो एपी कैसे बनाई है वो समझ लीजिएगा, पहले हम एपी को बना लेते हैं यहाँ पर समाधान श्रेणी लिख लेते हैं, अब देखिए एपी की अगर बात करें तो देखिए दस तो चार से विभाज्य नहीं होता है, दस के बाद संख्या द्वितीय बारह वो चार से कट जाता है तो चार तीन बारह कट जाएगा तो विभाज्य हो जाएगी गुणज हो जाएगा चार का बारह, तो स्टार्टिंग होगी बारह से तो बारह हो जाएगा, बारह के बाद क्या आ जाएगा चार से कटे तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह कट जाएगा सोलह आ जाएगा सोलह चार बीस इस प्रकार चलता जाएगा लास्ट तक डाट डाट, अब दो सौ पचास तो चार से जाएगा नहीं, अगर हम दो सौ पचास में चार से भाग कर लें गुणज नहीं होगा तो चार छः चौबीस यहाँ पे कितना बचा एक दस चार दूनी आठ मतलब दो बचेगा शेष, अगर दो घटा दें मतलब दो सौ अड़तालीस जो होगा दोस्तों
248 हमारा लास्ट पद होगा, ठीक है। बस इतना है, हमारी एपी तो तैयार हो गई है। अब पूछा गया है कि इतने कितने गुणज हैं, मतलब संख्याएं पूछी गई हैं हमें। देखिए प्रथम पद दिया गया है ए बराबर 12, ये पहला पद दिया गया है। अगर डी निकालें अंतर तो देखिए 16 से ये 12 जाएगा, कितना जाएगा 4, हमें डिफरेंस भी दिया गया है 4। और हमें यनवा पद दिया गया है ए एन, मान लेते हैं अनवा पद 248 दिया गया है। और वैल्यू किसकी निकालनी है, मतलब कितने गुणज है, ये तो पूछा गया था। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कि ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। तो ए एन का वैल्यू दिया गया है 248, तो 248 बराबर ए का वैल्यू दिया गया है 12 प्लस एन का मान पूछा गया है माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया गया है 4, इतना हो गया है। अब देखिएगा 248 माइनस करेंगे 12 बराबर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू ये 4, ये तो है। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, कितना जाएगा 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 4 से 1 जाएगा 3, 236 बराबर आ गया है एन माइनस 1 इंटू 4। गुणा वाली चीज़ भाग में लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा 236 बटे 4 बराबर आ जाएगा एन माइनस का 1, 4 पंचे 20, ठीक 3 बचा 6 4 नेम 36। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आ गया है कि 59 बराबर आ गया एन माइनस 1, अगर 1 को लेकर आएंगे हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर एन, मतलब एन बराबर आ जाएगा 60, एन का वैल्यू कितना जाएगा 60 आएगा। अब सवाल में पूछा था कि 4 के कितने गुणज हैं, तो देखिए कह रहा था सवाल में 10 और 250 के भी 4 के कितने गुणज हैं, तो 200 कितने गुणज हो जाएंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कि 10 और 250 के बीच कितने 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के 60 गुणज हैं, कितने गुणज हैं 260 गुणज हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 का डॉट डॉट और 3, 10 सप्ताह के एनवे पद बराबर होंगे, एन के किस मान के लिए पूछ रहा है। अब देखिएगा हमें एक एपी दी गई है, यहाँ पर दो एपी है, तो उसमें देखिए हमें प्रथम एपी दी गई है, यहाँ पर फर्स्ट एपी दी गई है, कौन सी दी गई है हमें कि 63, 65 और 67 यानी देखिए डॉट डॉट। और हमें देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए हम सेकंड एपी, हमें सेकंड एपी कौन सी दी गई है, ये हमें दी गई है 3, 10, 17 डा 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 डाट, ठीक है ये दी गई है। अब क्या है किस मान किस एन के किस एन वे पद के बराबर होंगे, मतलब क्या है एन के किस मान के लिए, मतलब एन का वैल्यू निकालना है कि कितने पद होंगे इसमें। अब अगर हम बात करें इनवा पद इसका निकालें, इसका बराबर करें, लिख लेंगे इसका प्रथम पद दोस्तों क्या है, इसका प्रथम पद ए बराबर है हमारा 63, ठीक। और इसका डी निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा 65 - 63, दूसरे से पहला घटाते हैं ए टू माइनस सेवन करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी बराबर आ जाएगा 2। अगर इसमें बात करें देखिए इसमें पहला पद कितना दिया गया है 3 दिया गया है, अगर डिफरेंस की बात करें कितना दिया गया है 10 - 3 करेंगे कितना जाएगा 7, मतलब डी दिया गया है हमें 7, ठीक है। इसका एनवा पद निकाल लीजिएगा क्या हो जाएगा, ए पी फर्स्ट का एनवा पद निकालेंगे, मतलब ए एन बराबर का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। इसका एनवा पद निकालेंगे तो हो जाएगा कि ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए ए का मान 63 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया गया है 2, तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा इनवा पद हो जाएगा, इनवा पद हो जाएगा ए एन बराबर 63 प्लस 2n - 2, मतलब ये इनवा पद दोस्तों कितना हो जाएगा, ये ए एन बराबर हो जाएगा हमारा 61 प्लस 2n, ये इनवा पद हो गया है। इससे हमने ये किसने निकाला, हमने प्रथम ए पी का इनवा पद है, ये किसका है प्रथम ए पी का, ये प्रथम ए पी का इनवा पद आ गया दोस्तों हमारा। अगर बात करें हम सेकंड एपी के लिए तो उसका एनवा पद निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कि ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का दोस्तों उपयोग कीजिएगा। तो देखिएगा हो जाएगा ए एन बराबर ए का वैल्यू 3 दिया गया है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 7, यही दिया गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए एन इसका देखिए कैपिटल लिख लीजिएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं, दूसरी श्रेणी के लिए लिख लीजिए कैपिटल ए एन, ठीक है ये लिख लीजिएगा, ठीक है क्योंकि सेम टू सेम हो जाएगा। फिर अब ये हो जाएगा हमारा बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा 7n - 7, इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया इनवा पद 7n - 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दो हमारी एपी श्रेणियाँ थी, एक तो प्रथम श्रेणी ये थी, फर्स्ट एपी सेकंड एपी, ठीक है दो हमारी एपी थी। अब सवाल में क्या कह रहा था वो समझिएगा, सवाल कह रहा था कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे, किस मान के लिए बराबर होंगे। तो देखिए निकाल लेते हैं, चूंकि कह रहा है सवाल कि ए एन बराबर है एन, मतलब दोनों पद आपस में बराबर हैं किस मान के, तो एन का वैल्यू निकालना है, एन बराबर क्या है ये पूछा गया है, ये तो है सवाल में। अब देखिएगा समझिएगा बात, एन का वैल्यू कितना दिया गया है 61 प्लस 2n बराबर 7n - 4, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये 61 है यहाँ पर, माइनस का 4 जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 7n - 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 बराबर हो जाएगा दोस्तों 5n। एन से ये हमारा दोस्तों क्या आ गया है यहाँ पर, ये आ गया है कि 5n बराबर आ गया 65, हल कर लिएगा तो n बराबर आ जाएगा 65 बटे 5, 5 एक 5, 5 3 15,
एक बराबर आ जाएगा 13। सवाल में कह रहा था एन के किस मान के लिए ये दोनों श्रेणियां के एनवे पद बराबर होंगे। दोस्तों एन के मान कौन सा आ गया 13, मतलब क्या है एन बराबर 13 के लिए, मतलब 13 एन के जब क्या होगा 13वें मान के लिए दोनों समानता श्रेणियों के एनवे बात, मतलब 13वें पद कैसे होंगे बराबर होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिएगा दोस्तों सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर हम देखिए मान लें कि माना एपी पूछी गई, तो मान लें माना एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं तथा सार्वंतर डी है। हमने मान लिया माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो सवाल में कह रहा है कि एपी का तीसरा पद 16 है, मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा ए 3 बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब क्या है सातवां पद सात जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद अगर हम पांचवें पद में 12 जोड़ दें तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा हमारा कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर हम पांचवें पद में 12 जोड़ दें तो सातवां पद बराबर हो जाएगा दोनों। अब सवाल ने पूछ रहा है कि एपी ज्ञात करना है हमें, एपी पूरी एपी को पता लगाना है कि एपी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है मतलब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे एपी को निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से आएगा। ये हम यहाँ पर रखेंगे ए एन बराबर, मतलब क्या रखेंगे यहाँ पर एन बराबर रखेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सूत्र हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ए 3 बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू टू, इतना हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने एन का 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे ए 3 का मान दिया 16 बराबर हो जाएगा हमारा, 16 बराबर किसको हो जाएगा ए प्लस 2d के बराबर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इसको समीकरण, चलिए हम एक डाल देते हैं अब। ठीक है, आगे इसको हम बात करें तो हमें दिया गया है एक संबंध की ए 7 बराबर दिया गया है ए 5 प्लस 13। मान रखिएगा इसमें तो हो जाएगा ए 7 के लिए ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 13, इतना हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर ए प्लस 4d। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इतना ही हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर था 12 था यहाँ पर, तो दोस्तों का 12 कर लीजिएगा यहाँ पर 12। ठीक है, इतनी ध्यान रखिएगा बात आप लोग। ठीक है, लॉन्ग लिख गया था यहाँ पर, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको जब, तो हो जाएगा हमारा देखिएगा इसको सॉल्व करें समीकरण को, तो देखिएगा ए प्लस 6d माइनस का हो जाएगा ए माइनस का 4d इक्वल टू कितना है 12 है, माइनस कैंसिल कितना बचा 2d इक्वल टू आ गया 12, डी बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो दोस्तों प्रकार से डी का वैल्यू 6 आ गया है, डी का वैल्यू मिल गया। अब डी का मान हम समीकरण एक में रख दें तो हमें ए का मान मिल सकता है। ठीक है, तो डी का मान हम समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक से देखेंगे यहाँ पर समीकरण एक से, तो समझिएगा बात यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस 2d, यही तो हो जाएगा मान रखिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस 2d का मान 6, तो हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस 12 घटा लीजिएगा 16 माइनस 12 बराबर जाएगा ए, मतलब दोस्तों इस प्रकार से ए बराबर हमारा आ जाएगा 12 4 16 4, ए का मान 4 डी का मान 6 आ गया, तो ए पी निकाल लीजिएगा। तो ए पी देखिएगा ए पी का व्यापक रूप होता है एक, हमारा क्या होता है पता है आप लोगों को नहीं पता है तो सुनिएगा, एक होता है ए का मा ए प्लस डी का मा ए प्लस 2d का मा ए प्लस 3d का मा डी होता है। तो पहला पद कितना है हमारा 4, तो 4 का मा देखिएगा 4 प्लस 6 10 का मा, ये देखिए 4 प्लस 6 दूनी 12 4 16 का मा, ठीक है ए का मान 4 और इसका 6 थे 18 4 22। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ एक एपी बन जाएगी। ठीक है, ये पूछा गया था सवाल में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।